अमरावती राजमार्ग क्रमांक 6 पर सड़क किनारे लगे बड़े बड़े कार के शोरूम लगे हैं। यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से कार पार्किंग राजमार्ग से ही लग रही है। लंबी कतार से कारों की अवैध पार्किंग के कारण राजमार्ग की यातायात को बाधाएं निर्माण हो रही है, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। वायुसेना मोड़ से लेकर लंबी कार पार्किंग लगी है। राजमार्ग से सटे कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड के अंदर पार्किंग न कर सड़क किनारे ही पार्किंग लगाई जा रही है। MIDC यातायात विभाग में यह क्षेत्र आता है। पुलिस ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन कार शोरूम फिर पार्किंग करते हैं। राजमार्ग में तेज रफ्तार से वाहनों का आवागमन होने से पार्किंग से कार निकालते वक्त हादसा होने की संभावना होती है। यातायात कर्मियों को जान हथेली पर रखकर वाहन चलाना पड़ता है। हाल ही में एक होंडा शोरूम के कार की टेस्टिंग के लिए निकाला गया था, परंतु उस कार ने दूसरे कार को टक्कर मार दुर्घटना को अंजाम दिया था। ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, जिससे यातायात कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में यातायात DCP सारंग अवहार को जानकारी दी गई, लेकिन DCP ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। यातायात PI राजेंद्र पाठक तो इस समस्या को भलीभांति जानते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करते, यह सवाल वाहन चालक संतरमेश ने किया। बताया गया कि इस पार्किंग के कारण कई बार दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन कार शोरूम मालिकों पर अवैध पार्किंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने से बेझिझक पार्किंग लगा रहे हैं। राजमार्ग किनारे लगी सभी पार्किंग को हटाने की मांग हो रही है। 7 दिन में पार्किंग को नहीं हटाया गया तो एक सामाजिक संगठन यातायात विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में यातायात DCP सारंग अवहार को पूछने पर बताया कि अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के आदेश MIDC यातायात PI राजेंद्र पाठक को दिए हैं। यदि पार्किंग नहीं हटाई तो मामला दर्ज किया जाएगा। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।